अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल साइंस एकेडमी। अप्लाइड मैथमेटिक्स मैथ्स 212 चैप्टर नंबर 2 जो है एक्सरसाइज नंबर 2.2 के बाद 2.3 हम जो है स्टार्ट करेंगे आज। तो मैथ 212 और 233 दोनों का ये चैप्टर नंबर 2 है। तो एक्सरसाइज नंबर जो है हमारी 2.3 आज हमने स्टार्ट करनी है। और स्टूडेंट्स, इसके बारे में बता देता हूँ कि सबसे पहले ये कौन सा फंक्शन है, ये कौन सी एक्सरसाइज है जो हम आज जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। और पिछले जो एक्सरसाइज थी 2.2, उसमें हमने जो फंक्शंस किए थे वो थे एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है, और इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या फ़र्क है। स्टूडेंट, हमारे पास ये एक क्वेश्चन बनती है y = x, ठीक है। सपोज हमारे पास क्वेश्चन बनती है y = x, जिसमें y इज़ अ डिपेंडेबल वेरिएबल एंड x इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। x की ही रिस्पेक्ट से y में चेंजिंग आती है। इसका मतलब होता है कि x चेंज होता है, y चेंज नहीं होता, y x पर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे कि ये एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। और अगर आप देखें किसी क्वेश्चन में इस तरह से कि y = x² + x + 1, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बताया जा रहा होता है कि डिपेंडेबल वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से अलग होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन, जिसमें और बहुत सारी एग्जांपल्स देखें कि जो हमारे पिछले क्वेश्चंस आए थे y = 2x³ + 6x² + 9 एक्सेट्रा। तो ये हमारे होते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेबल, और यानी कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेबल दोनों वेरिएबल यानी हमारे होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, ये डिपेंडेबल होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन आ जाए x² y + xy² ठीक है +6xy = 0, जिसमें हमारा डिपेंडेबल और इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल्स इकट्ठे हो जाएँ, इस तरह की फॉर्म में आ जाएँ, तो ये हमारा होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। ये था स्टूडेंट्स हमारा ये दोनों में डिफरेंस। और अब जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सारी की सारी जो है वो एक्सप्लिसिट की बजाय इम्प्लिसिट फंक्शन पर डिपेंड करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको क्वेश्चन से ही समझ आ जाएगा कि हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.3 हमने करनी है, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमने हमारा काम ही क्या है, हमने dy/dx को फाइंड करना है। किस में से करना है, एक हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है उसमें से करना है। और हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए xy + y² = 2। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिपेंडेबल इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल्स इकट्ठे जुड़ गए हैं। हमने इसमें से जो है इसको अब लेट नहीं करने की ज़रूरत है, बल्कि हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है xy + y² = 2। अब हम इस पर डेरिवेटिव लगाते हैं, सो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा अभी भी x ही है, ठीक है, ऑन बोथ साइड। और ये बता देता हूँ आपको कि x क्यों है, कि ये dy/dx में जो वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, जबकि ऊपर जो होता है न्यूमिरेटर में वो डिपेंड करता है। तो अभी y डिपेंड कर रहा है x पर, इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि dy/dx फाइंड करना है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं दोनों तरफ से d/dx डेरिवेटिव लगा दिया हमने इधर xy + y² के साथ भी, और राइट हैंड साइड में 2 के साथ भी लगा दिया, ठीक है। अब इस पर हमने अलग अलग डेरिवेटिव लगाना है, तो d/dx (xy) + d/dx ठीक है (y²) = तो स्टूडेंट हमारा कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब यहाँ क्या करना है हमने, नेक्स्ट करते हैं इसको कि यहाँ इसमें देखें ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, और इस फॉर्म को हमने पढ़ा था, इस मेथड को प्रोडक्ट रूल कहते हैं, जहाँ पे दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और हमने डेरिवेटिव लेना हो। तो हम यहाँ पे इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, देखिए किस तरह से लगेगा। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, अब हम डेरिवेटिव लगा देंगे सेकेंड वैल्यू पे, प्लस सेकेंड वैल्यू एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वेरिएबल एक्स, ठीक है। ये था हमारा, इस पोर्शन को हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं,
ठीक है। और प्लस में अब यहाँ पर हमारे पास देखिए पावर रूल आएगा कि वाई एक वेरिएबल है, चाहे वो डिपेंडेबल है, लेकिन इसके ऊपर पावर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर शुरू में, ठीक है, फिर हम इसकी पावर एक कम करके लिखेंगे, और डेरिवेटिव किसका लेना है स्टूडेंट्स, हमने इसकी बेस वाई का, और इक्वल टू हो जाएगा ये जीरो। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें ये वैल्यू बनती है हमारी वाई, ठीक है, सॉरी एक्स आ गया, ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये बनेगा डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स, ठीक है, प्लस ये वाई एज इट इज आ गया, इस एक्स का हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा वन, प्लस फिर आ जाएगा हमारा टू, वाई की पावर हो जाएगी टू माइनस वन, वन हो गई, इसके साथ भी लग जाएगा हमारा डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट हमने फाइंड करना है डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, तो अब यहाँ पे डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू इकट्ठी करनी है, तो एक्स डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये वाई हमारा पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, अब इसमें से हम डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं, तो टू एक्स प्लस टू वाई आ गया, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई। अब ये वैल्यू यहाँ पे हो रही है मल्टीप्लाई, जो कि इक्वल के इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो देखिए डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइड बाय, ये वैल्यू इसकी नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, तो स्टूडेंट आंसर आ गया हुआ है। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस टू वाई। तो उम्मीद है कि आपको जो क्वेश्चन वन समझ आ गया होगा। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन ही हम कर रहे हैं, इसका पार्ट वन है, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर टू, तो उसमें भी हमने स्टूडेंट्स डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स ही फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट किस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए पार्ट नंबर टू हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी, सॉरी ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू वन। तो चलिए स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं, इसमें भी हमने डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। अब हमने इस पर डेरिवेटिव लगाना है, सो डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा स्टूडेंट्स, एक्स ही है, ठीक है, ऑन बोथ साइड, ये डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स से पता चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव हमने लगाना है बोथ साइड पे, तो डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, और फिर डेरिवेटिव लगेगा हमारा वन के साथ भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके साथ ही जब हम इस पर दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव लगाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा कि डी ओवर डी एक्स, ठीक है, उसी मार्कर को ले लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास डी डिवाइड बाई डी एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, इस पर अलग डेरिवेटिव लगाना है, प्लस डी ओवर डी एक्स, इसके साथ आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कांस्टेंट है जी वन, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर वन डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज अ कांस्टेंट एंड वन डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव के शुरू में आ जाएगा, ये पिछले रूल्स में बताया था आपको, तो वन डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, और डेरिवेटिव लिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर का। इसी तरह वन डिवाइड बाई बी स्क्वायर भी कांस्टेंट है, शुरू में आ गया, तो अब डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ वाई स्क्वायर का, इक्वल टू जीरो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास वन डिवाइड बाई ए स्क्वायर एज इट इज आ गया, यहाँ पे पावर रूल लगता है हमारा, तो देखें यहाँ पे क्या आता है, पावर शुरू में, इसकी पावर में से हम एक कम करके लिखेंगे, और डेरिवेटिव किसका ले लेंगे, इसकी बेस एक्स का, ठीक है, तो ये हमारा काम मुकम्मल हो गया। इसके साथ ही प्लस वन डिवाइड बाई बी स्क्वायर, यहाँ भी आ जाता है हमारा पावर शुरू में, इसकी पावर हम एक कम करके लिखेंगे, और डेरिवेटिव ले लेंगे इसकी बेस वैल्यू वेरिएबल वाई का, इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स जीरो, ठीक हो गया। अब ये देखिए हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, टू एक्स की पावर एक कम हो गई, तो आ जाएगा टू एक्स डिवाइड बाय स्टूडेंट्स के नीचे क्या है ए स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन, प्लस इसी तरह से हमारा आ जाएगा टू वाई डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसके साथ ही ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये बनेगा डी वाई डिवाइड बाय इज इक्वल टू नहीं है, बल्कि मल्टीप्लाई में हमारा आता है डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसका तो यहाँ पे जीरो है। अब ये वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, डी वाई हमने निकालना था, तो ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो देखिए टू वाई डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू सॉरी डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक है, ये सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू उधर आके नेगेटिव हो गई।
अब ये इधर डिवाइड हो रहा है तो हमने डीवाई डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है, ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो पहले देखें हम इसको लिखते हैं, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और ये 2x इसके नीचे आकर डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए 2 से कैंसिल, तो स्टूडेंट हमारा आंसर आता है माइनस बी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर वाई, ठीक है, डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स। चलिए स्टूडेंट इसका आंसर देखते हैं, तो हमारा इस पार्ट 2 का जो आंसर आता है माइनस बी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर वाई, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आपको स्टूडेंट्स जो है ये पार्ट नंबर 2 की जो है वो समझ आई होगी, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। तो मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।